हम देखते हैं कि कुरान के वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसका पूरा के पूरा जो ऑर्डर है वो खुद भी डिवाइन ओरिजिन का है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और उसी ऑर्डर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी जो ऑर्डर उस्मान रदिल्लाहु अन्हु के टाइम पर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अलग अलग वेरियस मटेरियल्स पर कुरान राइट डाउन किया गया। सबसे पहले हाफिज़ कुरान के खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उसके अलावा हम देखते हैं कि कुरान के कई हुफाज ऐसे थे जिनकी सर्टिफिकेशन, जिनके बारे में रिकमेंडेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था कि अगर कुरान सीखना है जैसा कि नाजिल हो रहा है तो फलां 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 से सीखे, सही मुस्लिम की हदीस है। हम देखते हैं कि ये अलग अलग वेरियस मटेरियल्स पे जो नोटेड डाउन था इसकी कॉपीज इंडिविजुअली भी लोग बनाते थे। अबू बकर रदिल्लाहु के ज़माने में जब कुछ जंगों में बहुत सारे कुरान के हुफाज शहीद हुए तो उन्होंने जैद बिन साबित जो फेमस स्क्राइब थे कुरान के, कातिब रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बुलाया और कुरान की कॉपी कंपाइल की जो एक सिंगल मटेरियल में थी। और ये कॉपी जो उन्होंने कंपाइल की और जिसके चेकिंग के कई सारे प्रिकॉशंस लिए गए, कई सारे हुफाज तभी भी मौजूद थे, उसके बाद हम देखते हैं ये कॉपी अबू बकर अदलाउ ने उमर अदलाउ को दिया। उमर अदलाउ ने इस कॉपी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हफ्सा रदिल्लाहा को दिया, और उस्मान रदिल्लाहु ने जब कॉपीज बनाई तो हफ्सा रदिल्लाहा से वही कॉपी को लेकर उन्हीं कॉपीज को हम देखते हैं कि प्रोपगेट किया और कॉमन किया।